एमबीए चाय वाला, जिसे आजकल हर कोई गाली दे रहा है। मैंने भी इसके रिकॉर्डिंग वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो हर कोई गाली दे रहा है इसको, मगर सैड रियलिटी बहुत उल्टा है। आप में से जो बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो ये फ्रेंचाइजी लिए थे, जो इनको अपना मोटिवेशनल मान रहे थे, मोटिवेशनल कोच मान रहे थे, मोटिवेशनल गुरु मान रहे थे, पता है क्यों? कि आप लोगों के जो माइंड में है ना, वो एक इमेज बना दिया गया है कंपनी से, जो सीईओ से फाउंडर का लार्जर देन लाइफ स्टाइल दिखाना है। ये एमबीए चाय वाला जो भाई साहब है ना, वो लार्जर देन लाइफ स्टाइल दिखा रहे थे। आप लोग इंस्पायर हो रहे थे कि भाई ये बंदा क्या है यार, चाय का ठेला स्वाद किया था, आज करोड़ों का कंपनी है, उसका लाइफ स्टाइल बोल रहा था। बट आप में से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि 1% के लोगों ने ना उसे कंपनी के बारे में रिसर्च किए होंगे, कंपनी के नंबर्स को भी देखे होंगे, मार्केट में का डेटा कितना अवेलेबल, उसके ऊपर काम किए होंगे। सिर्फ देखे होंगे भाई, प्रफुल्ल जो भाई है ना, वो BMW ऑडी मर्सिडीज में घूरते हैं, और भाई पैसा ही पैसा है। हम इनका फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो भाई हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। आप में से बहुत लोग बन गए, तो भाई इसे बचना, इसे सीखना है आपको, दोबारा गलती नहीं करना है। कोई फाउंडर ना अपना कंपनी के नंबर से ज़्यादा अपना लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो सावधान हो जाओ। बिजनेसेस ऐसा नहीं होता है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, उनके फाउंडर्स को उतना लाइफ स्टाइल के बारे में पता भी नहीं होगा। एक आधा गिना चुना उतना आता है, बहुत कम आता है, तो अपना स्वप नहीं करते। उनका जो कंपनी का नंबर्स होता है ना, कंपनी मार्केट में कब परफॉर्म करी ना, परफॉर्मेंस शो करता है। जब आपको पैसा बनाना है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऐसे कंपनी में फ्रेंचाइजी लो, ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लो जिसका नंबर्स बोल रहा हो, ना कि फाउंडर का लाइफ स्टाइल। ये सीखने की बात है, सीख गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपका लॉस है। मैं आकाश, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।